हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MIUI 12 के अपडेट के बारे में। तो जैसे कि आपको पता होगा कि भाई इंडिया में MIUI 12 का अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी सारे डिवाइस को मिला, जैसे कि Redmi K20, K20 Pro हो गया, Redmi Note 7 और Note 7S हो गया, Redmi Note 7 Pro हो गया, Redmi Note 8 Pro हो गया। ये चार पाँच डिवाइस है जिनको भाई इंडिया में MIUI 12 का ऑफिशियल अपडेट देखने को मिल गया है। लेकिन बात सारी है कि यार अपडेट तो हमें देखने को मिल गया, बहुत सारे लोगों को भी मिल चुका है, इंस्टॉल भी कर लिया काफ़ी ज़्यादा लोगों ने, पर प्रॉब्लम वाली बात यह है कि यार अपडेट ओनली फॉर बीटा टेस्टर यूजर्स को मिला, कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने भाई अप्लाई किया था बीटा टेस्टिंग के लिए, बट हुआ कि भाई क्या बहुत ही कम लोग जो सेलेक्ट हो पाए हैं, कुछ ही लोगों को अपडेट मिल पाया है, कुछ लोगों के फ़ोन में TRP रिकवरी इंस्टॉल नहीं है तो वो अपडेट को इंस्टॉल नहीं कर पा रहे, अपडेट इंस्टॉल करने जाते हैं तो भाई उनके में एरर आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे Redmi Note 7 Pro है जो कि पर्सनल डिवाइस है, इसमें अभी तक MIUI 11 ही यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि Redmi Note 7 Pro का MIUI 12 आ भी चुका है, बट मैं MIUI 11 यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक नहीं है, साथ ही साथ ना ही मेरे पास कोई बीटा टेस्टर अकाउंट है। भाई अगर किसी के पास हो तो मेरे को टेलीग्राम ग्रुप में भाई DM कर देना, हेल्प करो भाई यार अगर कर सकते हो तो। बाकी देखो यहाँ पर देखो आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ देखो कि आपको अपडेट कब तक देखने को मिलेगा पब्लिक यूजर्स को, यानी कि अभी देखो भाई अपडेट क्या, अभी अपडेट जो बीटा टेस्टिंग के लिए चला है बहुत से लोग बबल ले भाई हमें कब मिलेगा, पब्लिक में कब मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, सारे डिवाइस के बारे में बात करेंगे, इंडिया में जितने भी चार पाँच डिवाइस के बारे में यानी कि अपडेट आया उनके बारे में हम बात करेंगे, अपडेट आपको कब तक देखने को मिलेगा पब्लिक में, यानी कि सारे लोगों को कब तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो पर बने रहना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, पिछली वीडियो को आपने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिया, 7000 लाइक प्लस व्यू आए और भाई यहाँ पर लाइक मिले 500 के आसपास भाई लाइक थे जो कि यार काफ़ी बढ़िया था। तो इस तरह भाई उसी तरह इस वीडियो को भी सपोर्ट करना प्लीज़ यार, एक लाइक करना क्योंकि आपके एक लाइक से भाई मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का। तो अब हम बात करते हैं भाई यहाँ पर MIUI 12 के अपडेट के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई Redmi K20 के बारे में। तो Redmi K20 के यूजर्स के लिए मैं बता दूँ, अगर अभी तक आपको कोई भी अपडेट नहीं मिला है ना तो भाई देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं इसका डाउनलोड लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हो। सिंपल आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर आपको सिंपल टैप करना चार पांच बार, फिर आपका यहाँ पर चूज पर अपडेट आ जाएगा, इस पर जाके आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हो क्योंकि Redmi K20 का जो अपडेट है पब्लिक में रोल आउट हो चुका है, बट अभी भी लोगों को अपडेट नहीं मिल पाया क्योंकि सही तरह से रोल आउट नहीं हुआ, लेकिन आप चूज पर अपडेट से Redmi K20 में कर सकते हो। ये ओनली फॉर Redmi K20 और K20 Pro में वर्क करेगा, बाकी और अदर डिवाइस में वर्क नहीं करेगा। Redmi Note 7 की हम बात करें भाई, देखो Redmi Note 7 में भाई अभी अपडेट आया है, यहाँ पर आप देख सकते हो 12.0.0.2 का अपडेट आया है जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है। यहाँ पर आप वर्जन देख सकते हो QFGIN मतलब इंडिया होता है, तो इंडिया का ये वर्जन है जो कि मैंने TRP रिकवरी के थ्रू इंस्टॉल किया था, ऑफिशियल अपडेट नहीं मिला मेरे को भाई, मैंने बताया भी था दिखाया भी है कैसे इंस्टॉल करना, अगर आपको जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। Redmi Note 7 Pro की भी वीडियो बनाई हुई है कि जितने भी फीचर आए थे सारे फीचर दिखाए हैं, लेकिन वो मेरे दोस्त का फोन था, लेकिन भाई देख सकते हो यहाँ पर मेरा ये पर्सनल डिवाइस है इसमें अपडेट नहीं आया, मैं खुद वेट कर रहा हूँ कब अपडेट आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ भाई देखो अगर आपको इंस्टॉल करना TRP रिकवरी आपके फ़ोन में होनी चाहिए तभी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, अदरवाइज आपको वेट करना पड़ेगा पब्लिक रोल आउट का। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं पब्लिक रोल आउट की। तो मैंने K20 का बता दिया, K20 वाले वेट मत करो, आपके लिए भाई अच्छा मौका है, आप भाई जाके डिस्क्रिप्शन फाइल डाउनलोड करो, सिंपल इंस्टॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बाकी सारे डिवाइस में भाई अभी वेट करना पड़ेगा, जैसे चूज पैकेट वर्क करता है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा कि हाँ भाई वर्क कर रहा है। फीचर वगैरह की वीडियो मैंने बना दी है, आप K20 की भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, Redmi Note 7 है तीनों का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके आप देख लो जिसके भी आपको देखना है। Redmi Note 8 Pro का भाई मेरे पास डिवाइस नहीं है तो इस वजह से मैं उसका वीडियो नहीं बना पाया, ना ही Redmi 6A की बना पाया क्योंकि Redmi 6A का भाई कुछ अता पता ही नहीं भाई, अभी तक बीटा टेस्टिंग ही चालू नहीं हुआ। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं भाई अपडेट की। बहुत देर मैंने आपको बता दिया कि भाई क्या क्या चीज़ है, कैसे इंस्टॉल करना, ये सब बता दिया। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि पब्लिक में रोल आउट कब होगा। देखो भाई कि अभी आपको पता होगा भाई Redmi K20 में ना अपडेट आपको जून में देखने को मिल चुका था, भाई जून में इसकी टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी थी भाई, जून से लेके अब जुलाई खत्म हो गया, अगस्त आया, अगस्त में भी इसको पब्लिक में रोल आउट नहीं हुआ है। पब्लिक में रोल आउट हुआ बट कुछ ही लोगों को मिला भाई, कुछ लोगों को नहीं मिला, कुछ लोग इंस्टॉल नहीं कर पाए, कुछ ये सारी प्रॉब्लम हुई है। तो Redmi Note 7 और Note 7 Pro में भी कुछ ऐसी होने वाला है, इन दोनों डिवाइस में थोड़ा और टाइम लगेगा क्योंकि इन दोनों डिवाइस में भाई Android 10 का अपडेट आपको देखने को मिला है, भाई Android 10 में भाई बग्स वगैरह आते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि देखो अभी ना टेलीग्राम ग्रुप में नए नए चैनल बन रहे हैं भाई ऑफिसर, तो उसमें पूछा जा रहा है कि Redmi K20 में
के क्या क्या बग आपको देखने को मिल रहे हैं, जितने भी यहाँ पर टेस्टर बने थे उनसे पूछा जा रहा है कि आपको क्या क्या बग देखने को मिला है। सारे बग वग देखने के बाद आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। भाई इस महीने आपको वेट करना पड़ेगा पूरा का पूरा, ये आपको अगस्त का महीना, अगस्त के एंड तक या फिर मिड तक 20 तारीख के आसपास आपको पब्लिक में एक अपडेट रोल आउट किया जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर दोबारा बता दूं भाई, वो अपडेट सारे डिवाइस के नहीं हो जाएगा। रेडमी नोट 7, नोट 7 है, रेडमी नोट 7 यहाँ पर प्रो हो गया, रेडमी नोट 8 प्रो, सारे डिवाइस में इस महीने में अपडेट मिल जाएगा। लेकिन भाई वो अपडेट आएगा जिसने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, जिसने नहीं किया उसके ना भाई बेकार बात है, क्योंकि अपडेट चला जाता है। यही होगा, पब्लिक में अपडेट रोल आउट किया जाएगा, फिर पब्लिक उसको इंस्टॉल कराएगी, पब्लिक में भाई जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो बताई जाएंगी, उस अपडेट को हटा दिया जाएगा। आपको पता है ये अपडेट आते हैं फिर चले जाते हैं, तो कुछ इस तरह से किया जाएगा। तो अपडेट दिया जाएगा, जिस जो कर लेगा वो ठीक है, जो नहीं कर पाएगा उसके लिए बाद में आएगा। तो जब भी रोल आउट होगा भाई आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पता चल जाएगा जब भी आएगा। बट ये 110% कन्फर्म है कि भाई इस महीने के एंड तक 20 से लेके 25 या 30 तारीख के 20 से 30 तक बोल लो हम, इसमें आपको तीनों डिवाइस के लिए अपडेट मिल जाएगा। रेडमी K20 में मिल जाएगा, रेडमी नोट 7, नोट 7 एस और यहाँ पर रेडमी नोट 7 प्रो में भी, यहाँ पर 7 प्रो में भी आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा, 8 प्रो में भी, सारे डिवाइस में मिल जाएगा जितने भी डिवाइस में आ चुका है, क्योंकि इनका बीटा टेस्टिंग का अपडेट आ चुका है। और बाकी डिवाइस की हम बात करें, रेडमी नोट 8 हो गया, रेडमी नोट 5 प्रो हो गया, भाई ये सारे डिवाइस हो गए, रेडमी 6A हो गया और रेडमी 6 हो गया। काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे बोलते हैं रेडमी 6 और 6A का अपडेट कहाँ है, तो भाई देखो उनका भाई कोई अता पता नहीं, भाई उनकी कोई बीटा टेस्टिंग स्टार्ट भी नहीं हुआ, तो उसकी भाई मैं कुछ कह नहीं सकता। सितंबर के एंड में भी आ सकता है, सितंबर के अक्टूबर में भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं। क्योंकि अभी क्या है कि शाओमी वाले जो जितने भी नए नए फ़ोन हैं, यानी कि जितने भी उनके बजट से बजट स्मार्टफोन है सही वाले, उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। रेडमी नोट 7 प्रो के 7 सीरीज़ में सब में अपडेट आएगा, उसके बाद जाके 6 सीरीज़ में देंगे, उसके बाद जाके 5 सीरीज़ में देंगे। 5 सीरीज़ में तो रेडमी नोट 5 प्रो ही है और कोई डिवाइस नहीं है, तो 5 सीरीज़ इसलिए वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। फिर उसके बाद रेडमी 6 सीरीज़ हो गया, रेडमी 6, 6 प्रो और रेडमी नोट 6 प्रो, ये सारे डिवाइस हो गए। तो आपका सिंपल वेट क्या करना है, इस महीने का वेट करना, उसके बाद आपको अपडेट मिलेगा। जब भी भाई चूज पैकेट अपडेट वाला मेथड वर्क करता है, मैं रोज ट्राई करता हूँ अपने रेडमी नोट 7 प्रो में, जब भी वर्क करेगा तो मैं वीडियो डाल दूंगा कि वर्क कर रहा है, आप जाके इंस्टॉल कर सकते हो। ऑफिशियल मेथड होता है, बहुत से लोग नहीं करते हैं, सोचते हैं रहिए अनऑफिशियल मेथड हमारे डिवाइस में इसके बाद अपडेट आएंगे, नहीं है भाई ऐसा कुछ नहीं, हम वैसे ही अपडेट करते हैं। इस डिवाइस में रेडमी K20 में भाई मैं बीटा टेस्टर भी नहीं था तो भी मेरे को अपडेट देखने मिला, क्योंकि पब्लिक में रोल आउट हो चुका है। अगर रेडमी K20 में फिर भी बोल रहा हूँ भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके जाओ डाउनलोड करो भाई, TAP वो विदाउट TAP रिकवरी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इस महीने का वेट करो, इस महीने के एंड तक आपको अपडेट मिल जाएगा। जब भी अपडेट मिले तो आप अपडेट कर लेना, ये मत सोचना कि मैं बाद में अपडेट करूंगा, बाद में अपडेट करने के चक्कर में रहोगे तो आपको अपडेट नहीं मिलेगा, फिर आपको और वेट करना पड़ेगा, फिर आपको हो सकता है सितंबर अगस्त हाँ भाई वेट करना पड़ रहा है, और ज़्यादा वेट करना पड़े। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, आपको समझ में आ गया होगा कि अपडेट कब तक देखने को मिलेगा। 20 से 25 तारीख का आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा, रेडमी नोट 7, नोट 7 एस, फिर रेडमी नोट 8 प्रो, K20 प्रो में भी आपको और रेडमी K20 में भी अपडेट, सारे डिवाइस में इस महीने के एंड तक आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। बाकी जितने भी डिवाइस हैं उनको अपडेट भाई थोड़ा लेट देखने को मिलेगा। तो अब आपको समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कुछ पूछना तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी यार अपडेट की और वीडियो कस्टमाइज के रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे हमारे देश के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।